गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बसंत पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है अनुप्रास अलंकार। आइए सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना या बार बार आना, अर्थात जब कोई वर्ण बार बार आता है या दोहराया जाता है तो उसे अनुप्रास कहते हैं। जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ समान वर्ण एक ही वर्ण दो बार आए या दो से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुच्छाय। इसका हम स्पष्टीकरण इस प्रकार करेंगे। देखिए उपयुक्त उदाहरण में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखिए तरणी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरोवर में त। इस प्रकार से इस उदाहरण में त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है और इसी कारण से यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेदों के विषय में जानेंगे। अनुप्रास अलंकार के पांच भेद होते हैं। नंबर एक छेक अनुप्रास अलंकार, नंबर दो वृत्त्यानुप्रास अलंकार, नंबर तीन श्रुत्यानुप्रास अलंकार, नंबर चार लाटानुप्रास अलंकार और नंबर पांच है अंत्यानुप्रास अलंकार। अब हम क्रम से इन सभी भेदों के विषय में जानेंगे। तो हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के प्रथम भेद छेक अनुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए कि जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना कि वर्ण एक हो या अनेक हो लेकिन उनकी आवृत्ति सिर्फ एक बार ही होगी, अर्थात वह वर्ण सिर्फ दो बार ही आएगा। दो बार आने का मतलब आवृत्ति का एक बार होना, तो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत है, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। अब इस उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है लेकिन आवृत्ति सिर्फ एक बार ही हुई है, कहत में क और कत में क। तो उपयुक्त उदाहरण में क वर्ण की आवृत्ति एक बार होने के कारण से यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अब हम अनुप्रास अलंकार के दूसरे भेद वृत्त्यानुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। आइए ध्यानपूर्वक देखते हैं, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर आवृत्ति दो से अधिक बार होती है और यहाँ पर छेकानुप्रास में आवृत्ति सिर्फ एक बार ही होती है। इन दोनों में यह एक कॉमन सा डिफरेंस है। तो आइए इसका हम उदाहरण देखते हैं, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुच्छाय। अब देखिए कि ये जो उदाहरण है इस उदाहरण में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर तरण में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हुई है और वह भी आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है। और त वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होने के कारण ही यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अब हम आपको वृत्त्यानुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण दिखाते हैं, ठीक है। इन्हें देखिए, रघुपति राघव राजा राम, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तात मात भ्रात बंधु आप नोने कोई। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको हमें कमेंट करके यह बताना है कि यह यहाँ दूसरे तीसरे और चौथे उदाहरण में किस वर्ण की बार बार आवृत्ति
हुई है। अगर आपने ये वीडियो देखी है और अच्छी तरह से इसे समझा है तो आपको कमेंट करके उत्तर ज़रूर देना है, ठीक है। तो बच्चों, आपको आज मैंने जितना पढ़ाया है उसको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और इसे अच्छी प्रकार से आपको याद भी करना है। अनुप्रास अलंकार के बाकी के भेदों की चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।